YouTube channel Life. I hope आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे सो गाइज आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अगेन मीचो हॉल और आज की कलेक्शन अब बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है एंड आप लोगों को बहुत पसंद भी आने वाली है सो so, वीडियो को एंड तक जरूर देखना वीडियो को उसके बिल्कुल भी मत करना एंड अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो यहाँ पे आपको इस तरह के हॉल वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी तो अगर आप लोग को हॉल वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना साथ ही ऐसे करें नोटिफिकेशन बेल को ताकि आने वाली जो भी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले आए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ और साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है प्रिंसेज लाइव ट्वेंटी तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें क्योंकि वहाँ पर मैं काफ़ी कम प्राइज़ में रीसेलिंग ड्रेसेस सेल करती रहती हूँ तो अगर आप लोग को कपड़े पसंद पस आते हैं मेरे अगर परचेस करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहें मेरे चैनल पे चल रही है गिव अवे तो गिव अवे में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो जल्दी से गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लें गिव अवे के रूल्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है थाउजेंड सब्सक्राइबर्स कम्पलीट हो जाएंगे तो मैं थर्टी विनर्स अनाउंस करने वाली हूँ अपने चैनल पे एंड आई होप आप लोग जल्दी से मेरे थाउजेंड सब्सक्राइबर्स कम्पलीट करवा देंगे सो गिव अवे के रूल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो गिव अवे के रूल्स बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं एंड हो सकता है कि आप भी विनर बन सकते हैं गिव अवे के तो पार्टिसिपेट जरूर करें एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि जो भी ड्रेसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी वो सारी ही अवेलेबल है रीसेलिंग में तो इनकेस अगर आप रीसेलिंग प्राइस में मुझसे परचेज करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं एंड रीसेलिंग परचेज करने के लिए आपने क्या करना है प्राइस तो आपको स्क्रीन पर ही देखने को मिल जाएगा जो भी ड्रेस आपको पसंद आती है जस्ट आप उसका स्क्रीन लेंगे एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे एंड जो लोग इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं वो मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं मेरी ई मेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो आप डायरेक्टली मेल के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू परचेज कर सकते हैं सो so, ये था रीसेलिंग का प्रोसेस तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं सो so, फर्स्टली मैंने पिक की है बहुत ही ब्यूटीफुल सा सही ग्रीन कलर का सूट है तो फर्स्टली हम बात कर लें इसके प्राइस की तो ये मुझे रिसीव हुआ है इलेवन हंड्रेड ट्वेंटी फोर रुपीज़ में एंड प्राइस की बात करें तो प्राइस इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है काफ़ी नॉर्मल रेंज में है तो देख लेते हैं किस तरह का होने वाला है तो पैकेजिंग इसकी काफ़ी सिंपल थी आप देख सकते हो इस तरह की पैकेजिंग थी पैकेजिंग में कुछ ऐसे कुछ खास नहीं था सिंपल सी पैकेजिंग थी तो चलो अब बात कर लेते हैं शरारा सूट की कि किस तरह का होने वाला है ये तो ये ग्रीन एंड येलो कलर का है साइड में मैं इमेज दे दूँगी मॉडल की सो so दैट आपको सो दैट so आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह का ये शरारा सूट था सो so फर्स्टली हम बात कर लेते हैं ऊपर वाले सूट की तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का ये ऊपर वाला पार्ट मिलता है आप देख सकते हो एंड यहाँ पे अगर हम बात करें ना फैब्रिक की तो ये कुछ साटिन फैब्रिक में है एंड आप इस इसपे देख सकते हो इस तरह का आपको ये लाइट ग्रीन कलर का प्रिंट मिलता है डार्क ग्रीन बेस है उसके ऊपर लाइट ग्रीन कलर का आपको प्रिंट मिलता है कुछ इस तरह का जैपोरी प्रिंट में है ये एंड नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह की डिटेलिंग है एंड पूरे ही सूट पे आपको कोई भी वर्क नहीं मिलता है ना थ्रेड वर्क है ना सीक्वेंस मिरर कुछ भी ऐसा वर्क नहीं है जस्ट आपको प्रिंट मिलता है तो आप देख सकते हो फ्रंट एंड बैक दोनों साइड आपको इस तरह का प्रिंट मिलता है प्रिंट बहुत ही सुंदर लग रहा है बस मुझे एक चीज़ इसमें ये मुझे अच्छी नहीं लगी कि एक तो इसका नेक जो है इन्होंने राउंड नेक बस छोटा सा नेक बनाया है इसका नेक थोड़ा सुंदर बनाते तो सूट और सुंदर लगता एंड स्लीव्स की बात करें तो स्लीव्स भी हाफ स्लीव्स दी हुई हैं हाफ स्लीव्स का आजकल इतना ट्रेंड नहीं है तो या तो ये कट स्लीव रखते हैं इसको या थोड़ा सा फुल स्लीव करते तो और अच्छा लगता तो ये चीजें मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी हैं आप लोग को अगर पसंद है कट स्लीव तो आप इसको तो डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं एंड इसके नीचे आपको लाइनिंग मिलती है लाइनिंग आप देख सकते हो काफी सॉफ्ट से फैब्रिक की लाइनिंग दी हुई है लाइनिंग आपको पूरे सूट में मिलती है स्लीव्स पे नहीं मिलती जस्ट एंड इसमें जो साइज है वो फ्री साइज है तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग ऑल्टर करवा सकते हैं देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने इंटर लॉकिंग भी नहीं की हुई है क्योंकि आप अपने साइज़ में अकॉर्डिंग आपको ऑल्टर करवाना पड़ेगा इसलिए इसमें इंटर लॉकिंग भी नहीं दी हुई है तो सो इस तरह का ये सूट है सूट की जो लेंथ है मुझे नी uh, लेंथ तक आई है एंड आप देख सकते हो अगर आपको पसंद आया तो आप इसको ज़रूर परचेज कर सकते हैं सो ये कुछ इस तरह का सूट था फिटिंग आपको करवानी पड़ेगी मुझे भी लूज़ था मैंने पीछे से आ, इसको पिन करके फिर आपको दिखाया है सो so, बात कर लेते हैं इसके बॉटम की तो यहाँ पे जो हमें बॉटम रिसीव हुआ है ना आप देख सकते हो जॉर्जर फैब्रिक में है एंड ये कुछ मेहंदी कलर का डार्क ग्रीन कलर का है आप देख सकते हो प्लेन शरारा है शरारा पे ऐसे कोई भी वर्क नहीं है बस नीचे की तरफ आपको लेस की इस तरह से डिटेलिंग मिलती है अदरवाइज पूरे शरारा पे कुछ नहीं है और इस तरह यहाँ पे जो लास्टिक है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है डबल एक्सल साइज वालों को भी आई थिंक ये आराम से डबल एक्सल वालों को भी आराम से आ जाएगा एंड यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हो कुछ इतने फ्रिल के साथ आपको इतने फ्रिल के साथ आपको ये शरारा मिलता है बहुत ही सुंदर सा शरारा सूट है ये बहुत ही सुंदर शरारा है इसका एंड इसके नीचे ना आपको लाइनिंग भी मिलती है लाइनिंग आपको पूरी नीचे तक लाइनिंग मिल रही है तो अच्छा इसका लाइनिंग का कपड़ा भी काफी अच्छा दिया हुआ है तो आप बात कर लेते हैं दुपट्टे की तो यहाँ पे जो हमें दुपट्टा मिलता है ना आप देख सकते हो यहाँ पे कॉर्नर पे दुपट्टा येलो कलर का हमें दुपट्टा मिलता है एंड ये दुपट्टा एक्चुअली सूट को इनहेंस uh, कर रही है ये दुपट्टा यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की लेस मिलती है लेस बहुत सुंदर लग रही है एंड बॉटल ग्रीन कलर का सूट है ना तो उस पर येलो कलर ना बड़ा अच्छा लग रहा है आप मॉडल की इमेज भी देखोगे ना तो वो इसीलिए अच्छा लग रहा है कि उसमें येलो कलर है अगर ये दुपट्टा ना होता तो आई थिंक इतना सुंदर वो ना लगता सो so, ये इसके साथ दुपट्टा मिलता है आपको जॉर्जर फैब्रिक में दुपट्टा पूरा ही प्लेन है दुपट्टे पे ऐसे कोई भी वर्क नहीं है बस साइड में आपको इस तरह की लेस मिलती है दुपट्टे के चारों तरफ दुपट्टे की लेंथ एंड वर्थ दोनों ही बहुत अच्छी है एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा दुपट्टा इसका बस मुझे सूट में कुछ चीज़ें कम लगी जैसे कि नेक का डिज़ाइन सुंदर नहीं है स्लीव्स अच्छी नहीं बनाई हुई अदरवाइज अच्छा लग रहा है पहनने के बाद फोटोज में अच्छा आ रहा है तो प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी रीज़नेबल है तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं तो चलो मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कि पहनने के बाद ये कैसा लगने वाला है तो अच्छे से समझ आ गया होगा कि पहनने के बाद ये कैसा लगने वाला है तो मुझे ये मुझे ये अच्छा लगा मतलब इतना अच्छा नहीं लगा तो अगर आप लोग को पसंद है तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं सो so बात करते हैं नेक्स्ट मैंने मीशो से क्या परचेज किया है नेक्स्ट यहाँ पे भी ना मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल सा येलो कलर का कॉटन फैब्रिक में शरारा सूट पिक किया है क्योंकि ना मुझे इंस्टाग्राम पर वाट्सएप वो मुझे मैसेज कर रहे थे कि मुझे हमें ना ऑफिस वेयर के लिए चाहिए एंड वो लोग गुजरात साइड से हैं महाराष्ट्र साइड से हैं जहाँ पे अभी भी गर्मी है मतलब इतनी ठंडियाँ सर्दियाँ नहीं है तो उन लोगों को कॉटन फैब्रिक में चाहिए था तो इसलिए मैंने कॉटन फैब्रिक में मैंने ऑर्डर किया और जो दिल्ली या चंडीगढ़ में रहते हैं मतलब इस साइड जो रहते हैं वो लोग तो ये कॉटन के जो सूट हैं वो समर्स में ही देखेंगे अभी तो सर्दियों के कपड़े इतने ज़्यादा ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है तो सबसे पहले हम बात कर करें इसके प्राइस की तो ये मुझे प्राइस में थोड़ा सा काफ़ी एक्सपेंसिव लगा थोड़ा तो नहीं काफ़ी एक्सपेंसिव लगा ये मुझे मिला है टू थाउजेंड फोर्टी एट रुपीज़ में एंड इसमें जो साइज़ है आ, इसमें जो साइज़ है वो फ्री साइज़ है तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का होने वाला है पैकेजिंग काफ़ी सिंपल सी थी पैकेजिंग कुछ ऐसे खास पैकेजिंग नहीं है तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरह का येलो कलर का है कलर बहुत ही सुंदर है एंड आप देख सकते हो कुछ इस तरह की आपको ये कुर्ती मिलती है येलो कलर की एंड ये ना ऑफ़िस वेयर के लिए बहुत अच्छी होने वाली है आप ऑफ़िस में इसको ईजिली कैरी करके जा सकते हैं एंड इस तरह के जो कलर्स होते हैं ना ऑफ़िस में बहुत अच्छे लगते हैं सिंपल एंड सोबर कलर्स ना ऑफिस में काफ़ी अच्छे लगते हैं सो so ये येलो एंड हल्का हल्का ऑरेंज कलर में है कुछ इस तरह का ये कुर्ता सेट है इसमें साइज़ हाँ इसमें जो साइज़ है ना वो एक्सल साइज़ है एंड इसके मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह से ये एस वाल साइज़ वालों को भी आ जाएगा एम साइज़ वालों को भी आ जाएगा सो ये कुछ इस तरह का कुर्ता सेट है यहाँ पे राउंड नेक मिलता है गोटा पट्टी का वर्क मिलता है आपको देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा गोटा पट्टी का वर्क मिलता है एंड यहाँ पे जरी वर्क भी हल्का हल्का जरी वर्क किया हुआ है बहुत ही सुंदर सी नेक पे डिटेलिंग है बहुत सुंदर लग रहा है नेक इसका एंड जो इसके स्लीव्स हैं आप देख सकते हो यहाँ पे आपको वन फोर स्लीव मिलती हैं एंड स्लीव पे भी आपको बहुत सुंदर सी गोटा पट्टी वाली लेस मिलती है एंड ये पूरे सूट पे ना आपको प्रिंट मिलता है जो प्रिंट है ये कहीं भी जाने नहीं वाला काफी अच्छा प्रिंट लग रहा है फैब्रिक जो है प्योर कॉटन है तो जिनको मतलब कि जॉर्जेट फैब्रिक से थोड़ी इरेटेशन होती है तो वो लोग इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं क्योंकि स्किन पे बिल्कुल भी आपके हार्श नहीं होगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ आपको पैपलून टाइप में मिलता है कुछ अनारकली टाइप अनारकली टाइप में आपको सूट मिलता है आप देख सकते हो एंड ये जो डिटेलिंग है वो आपको पूरे सूट में मिलती है इस तरह से बहुत ही सुंदर सा सूट है ये देख सकते हो एंड नीचे की तरफ आपको यहाँ पे भी गोटा पट्टी की लेस मिलती है आउटलाइनिंग की हुई है बहुत सुंदर लग रहा है ये एंड बैक साइड की बात करें तो बैक साइड आपको पूरा ही प्लेन मिलता है यहाँ पे आपको जस्ट प्रिंट मिलता है गोटा पट्टी वाली लेस नहीं मिलती है नीचे की तरफ आपको गोटा पट्टी वाली लेस मिलती है जैसा फ्रंट में था सेम वैसा ही है एंड बैक जो मैं आपको बता रही थी ना कि ये एक्सेल मीडियम साइज़ वालों को भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ना आपको ये दो डोरियाँ दी हुई हैं ये दोनों साइड दी हुई हैं तो यहाँ से आप इसको टाई अप कर सकते हो जैसा कि ये, ये इसको अगर आप टाइप कर देंगे तो ये थोड़ा टाइट हो जाएगा यहाँ से दोनों तरफ डोरी दी हुई है तो इन केस आपने ऑर्डर कर लिया स्मॉल इन केस आपने ऑर्डर कर लिया मीडियम आपको स्मॉल आता है तो आप इसको यहाँ से टाई अप करके पहन सकते हैं तो मुझे ऐसे कोई इशू नहीं आए। ये एक्सल साइज़ है बट मेरा साइज़ मुझे एम भी आ जाता है एल भी आ जाता है तो मुझे आप देख सकते हो ट्राई ऑन पार्ट में आप देखेंगे कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई काफ़ी अच्छा लग रहा था पहनने के बाद सो so, ये इसका ऊपर वाला पार्ट है बहुत ही सुंदर सा बहुत कंफर्टेबल है पहनने में एंड फैब्रिक बहुत अच्छा है क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी सो so, अब बात कर लेते हैं इसके बॉटम की तो यहाँ पे आपको बॉटम में कॉटन फैब्रिक में ही शरारा मिलता है तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के प्रिंट में ये शरारा मिलता है ऊपर वाला पार्ट जो है वो कुछ येलो एंड ऑरेंज कलर के फ्लावर प्रिंट में आपको ये वाला एरिया मिलता है फ्रंट एंड बैक दोनों साइड आपको सेम ऐसा ही मिलता है लास्टिक जो है वो काफी अच्छी दी हुई है बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं है बहुत ज्यादा लूज भी नहीं काफी अच्छी लास्टिक मिलती है यहाँ पे आपको और नीचे की तरफ यहाँ पे ना आपको इस तरह से लेस मिलती है जो लेस है ना कोटा पट्टी वाली वो आप देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है यहाँ पे एंड यहाँ पे जो फैब्रिक है वो सूट वाला दिया हुआ है नीचे अगेन वही फैब्रिक है जो ऊपर दिया हुआ है एंड गोटा पट्टी की लेस का वर्क है बहुत ही सुंदर शरारा है ये एंड सूट एंड बॉटम दोनों के नीचे लाइनिंग नहीं है क्योंकि कॉटन फैब्रिक है तो इन दोनों के नीचे लाइनिंग नहीं दी हुई है सो अब बात कर लेते हैं इसके साथ हमें मिलता है दुपट्टा दुपट्टा आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर दुपट्टा है कॉटन फैब्रिक में है दुपट्टे की आप लेंथ वर्थ आप देख सकते हो बहुत सुंदर है एंड दुपट्टे के कॉर्नर्स पे ना इस तरह की लेस मिलती है आपको सकते हो कुछ इस तरह का आपको दुपट्टा मिलता है ये दुपट्टे की विर्थ है एंड ये दुपट्टे की आपको लेंथ मिलती है तो बहुत ही अच्छी लेंथ एंड वर्थ के साथ ये दुपट्टा है एंड बहुत ही सुंदर सा दुपट्टा है ये आप देख सकते हो एंड काफ़ी कम्फर्टेबल रहने वाला है बहुत ही सुंदर से प्रिंट में दुपट्टा मिलता है मुझे बहुत अच्छा लगा ये मुझे आज के हॉल में ये वाला सूट सबसे ज़्यादा पसंद आया क्योंकि आप इसको ऑफिस में कैरी कर सकते हो किसी फंक्शन में गए हो वहाँ कैरी कर सकते हो बहुत अच्छा लगा क्योंकि कॉटन फैब्रिक में है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है ऑफ़िस में भी वेयर कर सकते हो किसी फंक्शन में भी वेयर कर सकते हो तो इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो चलो मैं पहन के दिखाती हूँ कि पहनने के बाद ही कैसा लगता है मैंने आपको पहन के दिखा दिया है आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि पहनने के बाद ये कैसा लगने वाला है सो so, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैंने मीशो से क्या परचेज किया है सो so, नेक्स्ट पे ना मैंने मैंने ये ये पिक किया है। ये मैंने इस, आ, किया है है किसी सेलिब्रिटी ने वेयर हुआ मैं साइड में आपको इमेज दे दूंगी। बहुत ही सुंदर सा गाउन है इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी प्राइस मुझे इसका याद नहीं है रीसेलिंग प्राइस एंड इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा तो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ था पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग बिल्कुल सिंपल सी पैकेजिंग है एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी का तो नहीं है ये बैग मतलब ठीक है ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है सो हम बात कर लेते हैं गाउन की तो ये गाउन इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है मैं इतने टाइम से इसको ऑर्डर कर रही थी बट क्या हो रहा था कि मीशो पे क्या होता है कि ऑर्डर कैंसिल हो जाता है अपने आप ही तो काफ़ी टाइम ये कैंसिल हो गया था बट बड़ी मुश्किल से मुझे फाइनली ये रिसीव हो गया एंड मैं इसकी काफ़ी टाइम से वेट में थी सो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का होने वाला है ये बहुत ही सुंदर गाउन है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके गाउन की तो यहाँ पे आपको ये जैसा पिंक दिख रहा है एग्जैक्टली सेम वैसा ही है एंड यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें इसके नेक की तो आप देखो कितना सुंदर नेक है बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेक है इसमें आपको ये वी नेक मिलता है एंड नेक पे आपको मिरर वर्क मिलता है बहुत ही सुंदर सा मिरर वर्क है एंड यहाँ पे आपको स्लीव्स जो मिलती है ना इस तरह से आपको वन फोर स्लीव्स मिलती हैं आप देख सकते हो वन फोर स्लीव है यहाँ पे एंड ये जो ड्रेस है ना ये जो आपको गाउन मिलता है बहुत सुंदर गाउन है यहाँ पे आप देखेंगे ना पास से तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे सिक्वेंस का वर्क है एंड ये ऐसा वर्क आपको पूरे ही गाउन में मिलता है पूरे गाउन में मतलब जैसे ये मूव होगा तो ये शाइन होगा एंड यहाँ पे आपको फ्रंट में इस तरह से छोटी छोटी सी प्लेट्स मिलती हैं एंड फ्रंट में इस तरह से आपको कट मिलता है कट बहुत ही सुंदर है एंड इसके नीचे से आपको जो स्कर्ट है वो दिखेगी तो बहुत ही सुंदर लुक आने वाला है इस तरह से आपको फ्रंट कट के साथ मिलता है ये एंड यहाँ पे ये जो प्लेट्स है ना ये आपको पूरे ही इस एरिया में मिलती हैं ऊपर वाले साइड बैक साइड पे भी सेम ऐसी प्लेट्स हैं छोटी चोट छोटी एंड ये जो सीक्वेंस का वर्क है छोटे चोट छोटे ये आपको पूरे ही फ्रंट बैक दोनों साइड मिलता है आपको देख सकते हो कुछ इस तरह से है ये इसका काम एंड स्लीव्स के ऊपर भी सेम वैसा ही काम मिलता है आपको छोटे सीक्वेंस का विथ थ्रेड वर्क तो बहुत सुंदर लग रहा है ये एंड इसके नीचे आपको लाइनिंग मिलती है लाइनिंग भी आपको डार्क पिंक कलर में ही मिलती है एंड लाइनिंग का आपको फैब्रिक पूरा नीचे तक मिलता है तो पूरा आपको ये एंकल लेंथ तक आने वाला है सो तो बहुत ही ब्यूटीफुल से पिंक कलर में है ये उसका ऊपर वाला पार्ट मुझे बहुत सुंदर लगा ये बहुत सुंदर है ये अब बात कर लेते हैं इसके बॉटम की तो आपको जो बॉटम मिलता है ना वो भी बहुत सुंदर है तो यहाँ पे बॉटम में यहाँ पे आपको स्कर्ट मिलती है इसके साथ इस तरह का गाउन मैंने पहले भी आप लोग के तो साथ शेयर किया हुआ है ये एक स्कर्ट मिलती है इस तरह से प्लेट्स हैं इस इसपे पिंक कलर का है एंड ये प्लेन पिंक कलर का है इस इसपे कोई भी एस वर्क नहीं है एंड से ये जॉर्जेट फैब्रिक में है विद लाइनिंग एंड नीचे की तरफ आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको ये मिलता है आ, स्कर्ट का फैब्रिक एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे देख सकते हो इस तरह से लाइनिंग भी लगी हुई है एंड यहाँ से ये एरिया ओपन है तो ये आपको स्टिच करवाना पड़ेगा ये स्कर्ट बन जाएगी तो ये इसके साथ आपको स्कर्ट मिलती है बहुत ही अच्छे फ्लेयर के साथ है एंड इसके साथ ही आपको मिलता है दुपट्टा दुपट्टा आप देख सकते हो सिंपल सा दुपट्टा है जैसा कि थ्रेड वर्क का काम था गाउन पे सेम वैसा थ्रेड वर्क वाली लेस लगती है कॉर्नर में एंड इस तरह से आपको ये चारों कॉर्नर से मिलता है एंड बहुत ही अच्छी व्रथ के साथ ये दुपट्टा आप देख सकते हो बहुत अच्छी लेंथ एंड व्रथ के साथ ये दुपट्टा है बिल्कुल प्लेन है इस पर ऐसा कोई भी वर्क नहीं है बहुत सुंदर लग रहा है दुपट्टा सो so, चलो मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कि पहनने के बाद ये कैसा लगने वाला है सो so, गाइज मजा आ गया होगा कि पहनने के बाद ये कैसा लगने वाला है मुझे ये था आज का हॉल ये थी आज की वीडियो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय